महाराष्ट्र में कुछ हफ्ते पहले शुरू हुई राजनीतिक उठापटक अब खत्म होने की कगार पर है। बुधवार रात करीब 11:15 बजे उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वे इस्तीफा देने के लिए खुद ही ड्राइव कर राजभवन के लिए निकले थे। उनके साथ कार में दोनों बेटे आदित्य और तेजस ठाकरे भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार उद्धव जब राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने पहुंचे तो राज्यपाल ने उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक अपने पद पर बने रहने को कहा। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य के साथ एक मंदिर में पूजा की। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे इस्तीफे के बाद बीजेपी ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आज फडणवीस के घर कोर कमेटी की बैठक है। वहीं सूत्रों के मुताबिक फडणवीस 1-2 दिन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।